खाना दे रहे थे इस साइड, तो ये इस खाई में बेचारे दो बच्चे कुछ गंद वंद ढूंढ के ये खा रहे हैं। कितना तरस आता है यार इन पे सच्ची में। मतलब लोगों, ये इंडिया का वही बोलते हैं, किसी देश की आप सक्सेस और किसी देश की तरक्की आप देखना चाहते हो ना, तो उस देश के जो एनिमल्स हैं ना उनका हाल देख के आप देश की तरक्की का अंदाज़ा लगा सकते हो। चाहे कोई कनाडा है, अमेरिका है, इंडिया है, अगर वहाँ पे जो एनिमल्स हैं अगर उनकी हालात, उनकी सिचुएशन ठीक है, तो इट मीन्स वो देश, ओ गॉड, सही दिशा में जा रहा है। यहाँ तो हर दिन टाइगर टाइगर, यहाँ तो हर दिन एक नई क्रूल्टी सामने आती है, हर दिन। सीरियसली ये बेचारे देखना बड़े होएंगे, लोग इनको ट्रकों में भर के ले जाएंगे। क्या हुआ है? तो सारे डॉग्स इनको भौंक रहे हैं, क्योंकि वही बात है ना, एक जानवर दूसरे जानवर को ऐसे अपने एरिया में बर्दाश्त नहीं करता। जानवर तो जानवर के दुश्मन है, लेकिन इंसान उससे ज़्यादा दुश्मन है। बुगी कृष्ण तो कुमार है। एक वो ना माइक्रोचिप होती है, जो फॉरेन की कंट्रीज है ना, एनिमल्स के अंदर एक माइक्रोचिप लगती है। जब ये बछड़े पैदा होते हैं इनके अंदर माइक्रोचिप लगी हो, इसके ओनर का पता हो, है ना, कि जब ये इनको ऐसे फेंक देते हैं, डंप कर देते हैं, इनके ओनर्स तक पहुंच के उनको कुछ कार्रवाई की जाए। बट इतना टाइम का गवर्नमेंट के पास, देखना बेचारे यार बहुत तरस आता है। और लोग सोचे कि दलजीत इनको भी घर ले जाए, कैसे बताओ, कैसे कैसे। इसको छोटी सी पैदा भी हुई नहीं है, इसको पता लग गया कि किसको भौंकना है किसको नहीं भौंकना। सीरियसली यार बहुत बुरा हाल है देश का। ऊपर से तो बड़े हम बनते हैं कि हम ये आई एम प्राउड टू बी इंडियन, लेकिन यहाँ के बेजुबानों की भी तो हालत देखो ना। एनिमल्स का तो बुरा हाल है। बच्चे तुम ना खाना खा लेना यार, चलो दूसरे बच्चों को खाना दे के आते हैं। यार जब ये पीएम मीटिंग्स होती हैं वहाँ पर ये मुद्दे क्यों नहीं उठाए जाते एनिमल्स के? और जो अपने पीएम और जो पुलिस ऑफिसर्स को वो ये क्यों नहीं बोलते कि चलो, इतने लोग ना मेरे को मैसेज करते हैं कि हमारी गली में एक बंदा डंडे से मार रहा है, बट हम वीडियो नहीं बना पाए, है ना। जिसकी वीडियो ही नहीं बनी अब उसका केस क्या होगा, लेकिन जिसकी वीडियो बनी होती है भाई उसका भी कुछ नहीं कोई उखाड़ सकता आज के टाइम में। अगर किसी की वीडियो गलती से बन भी जाती है तो पुलिस उस पर भी केस नहीं करती। चल भाई वो बच्चे कहाँ छोड़, ओरे गुगी, इनका इलाका ये वाला, ये आगे नहीं आते ये गुगी। इसके मुंह पे क्या लगा हुआ है कि वैसे है गुगू ये रे। चलो बस ये खाना देते हैं। छोटा सा लाइव इसलिए किया था कि लेक पर है, और यहाँ पर ना डक्स ओनली 6 रह गई हैं वाइट। मेरे को लग रहा है कि जैसे वही बात है, देखो मेरे को समझ नहीं आती, पानी देख कहाँ से पीने गया, देखना उसको कहाँ से पानी पी रहा, दिख रहा है वो? ये तो अपना जुगाड़ लगा ही लेते हैं, कहीं ना कहीं से इनको पानी तो पूरा करना ही है। लॉकडाउन की वजह से जो यहाँ के ओनर है, चलो वो चले गए हैं। ये आई थिंक 13 डक्स थी, टोटल 13 थी, जिसमें से एक ब्लैक 12 वाइट थी, अभी टोटल 6 हैं। जो ब्लैक वाली तो हमने दिखा दी थी, वो डॉग्स ने मार दी, उसको दबा भी दिया था, लेकिन अब जो वाइट वाली है बेचारी, ये भी 6 रह गई हैं, है ना। कुछ लोग ना स्पेशली लेक पे इसलिए आते हैं, डक्स को देखने आते हैं, लेकिन जो इनके ओनर हैं इनको भी तो थोड़ा अवेयर होना चाहिए भाई। खाली डक ला के लेक में फेंक दिए हैं, इनका ध्यान कौन रखेगा? आजकल एनिमल्स की किसी को पड़ी नहीं है, कोई सोचता ही नहीं है। और जब इनसे पैसे कमाने की बात आती है तो सारे आगे आ जाते हैं, हमारी डक्स हैं, हमारी डक्स हैं, लेकिन जब इनकी टेक केयर की फीलिंग आती है तो कोई भी नहीं आता आगे। 3-4 दिन से देख रहे हैं, मैं 6 ही रह गई हैं। मेरे को ये टेंशन हो रही है 6 में से कहीं 4 ना रह जाए फिर ये, क्योंकि पानी कम है, डॉग्स पानी के अंदर चले जाते हैं और डक उठा के ले आते हैं ये। यार मैं फिर बोल रही हूँ कि मैं अकेली दुनिया नहीं बदल सकती, मैं अकेली कुछ नहीं कर सकती, हर बंदे को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभानी पड़ेगी, इन एनिमल्स के प्रति कुछ चीज़ें चेंज करनी पड़ेंगी, बट लोग राजी नहीं करने के लिए, भाई क्या करें। ग्रेसी को खाना दे दिया उधर, तो अभी इनको भी खाना दे दिया, तो लाइव एंड कर रहे हैं। कुछ ऐसा लगेगा तो दोबारा लाइव आएंगे, नहीं तो घर जाके देखेंगे। अभी के लिए लाइव बंद कर रहे हैं, अभी के लिए बाय बाय जी। बहुत बड़ी हो गई, बहुत छोटी सी थी जब हमें ये मिली थी ना, इनके रिब्स दिखती थी,
अब कितनी हेल्दी हो गई हैं, बड़ी हो गई हैं। टेंशन ये होती है कि कल को ये बड़ी होंगी फिर ये बच्चे देंगी। भाई गवर्नमेंट को कुछ सोचना चाहिए, कुछ करना चाहिए इन बच्चों के लिए ना। अभी के लिए बाय बाय गाइज़।